My monarch theme is on child labor. नमस्कार, 7 साल से काम करता हूँ यहाँ, बाल मजदूरी, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। मेरे साथ मेरे तो दोस्त भी काम करते हैं। मुझे आज भी याद है, वो टाइम था जब मैं मम्मी पापा के साथ बाहर गाड़ी में घूमने जाता था, मॉल में, गार्डन में। तब कोई शिकायत नहीं थी, मम्मी पापा थे, अच्छे कपड़े थे, अच्छा खाना था। मैं जब छोटा था ना, तो मुझे पढ़ाई का काफी शौक था। आज अगर कोई होमवर्क बाकी रहता था तो मैं रात को जाग के भी पूरा करता था। बड़ा एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, नई नई चीजों का काफी शौक था मुझे, तो सोचा एक साइंटिस्ट बनूंगा। पर मुझे क्या पता था, मेरा बचपन, मेरा जीवन का सबसे कीमती समय बर्बाद होने वाला था। आज भी अगर कोई अखबार या कागज उठ के आता है तो मैं छुप छुप के पढ़ता हूँ। पढ़ाई में तो अच्छा था ही, उसी के साथ साथ मस्ती भी बहुत करता था, हमेशा खुश रहता था, बहुत खेलना चाहता था, बहुत खेलता भी था। फिर एक बार अपने नई दोस्तों के साथ नीचे खेलने गया और एक गाड़ी आई और उनको उठा के ले गई और यह काम करने के लिए रख दिया। जब मना किया तो बहुत मारा, बहुत, और मजबूरन काम करना पड़ा। दिन में 10-15 घंटे काम करने के बाद खाना मिलता इतना, पैसा मिलता इतना। जिंदगी जानवर से भी बदतर हो गई है। कभी कभी दूसरे बच्चों को देखता हूं कि मम्मी पापा के साथ, तो लगता काश हमारा भी बचपन ऐसा होता। और अफसोस हो रहा है, अब तो मेरे मम्मी पापा का भी कोई अता पता नहीं, ना उनकी कोई खबर मुझ तक पहुंच ही नहीं पाई। कोई क्यों नहीं समझता मेरे अंदर के दर्द को, मैं नहीं रहना चाहता है, और ना ही मेरे बाकी के दो दोस्त, क्योंकि इन लोग का तो अपना स्वार्थ ही दिखता है हमसे काम करवा के। मैं नहीं रहना चाहता है, मुझे मेरे बाकी की जिंदगी खुल के जीनी है। कोई अफसोस नहीं होगा, हमेशा संतुष्ट रहूंगा जो भी होगा मेरे पास उससे, पर मैं नहीं रहना चाहता है, प्लीज मुझे ले जाओ यहां से, प्लीज। ये बच्चे तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है, जिसको अच्छे से परिवार में पाल पोष के बड़ा करना चाहिए, ताकि उनका भविष्य सुधर सके, खिल सके। ऐसे सुधरेगा उनका भविष्य? सिर्फ इतना ही नहीं करते ये लोग, रस्ते पे भीख मंगवाते, पैसा ना मिले तो बहुत मारते, ये देखो देखो बहुत मारते। कभी कभी पैसा ना मिले तो चोरी भी करवाते। क्या से क्या हो गया, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरा भविष्य। देखिए, इसके द्वारा मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि बाल मजदूरी अपराध है। अगर आपके सामने हो रहा है तो कृपया होते हुए मत देखे, कृपया बच्चों का वर्तमान मत बिगाड़े और ना बिगड़ते हुए देखे, क्योंकि हम बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, और हमारे भविष्य को मत बिगाड़े। अगर आपके सामने हो रहा है तो इस पर कार्रवाई कीजिए, पुलिस को कंप्लेन कीजिए, ताकि आज जो हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि इसका शिकार कोई भी बन सकता है, तुम भी और तुम भी। आजादी किसको नहीं पसंद? क्या मेरी कोई आजादी नहीं है? क्या मुझे आजाद होने का हक नहीं है? मैं भी एक आजाद देश का नागरिक हूं। मुझ जैसे ऐसे कई अनेक बच्चे हैं जो ऐसे काम में फंसे हुए हैं, जिनको आजादी की जरूरत चाहिए, मदद की जरूरत चाहिए। प्लीज मुझ जैसे उन बच्चों का जीवन बर्बाद होते हुए मत देखे। क्या आप चाहते हैं कि मुझ जैसे उन बच्चों की हंसी, खुशी, खिलखिलाहट, उनका बचपन उसे छीन लिया जाए? अगर नहीं, तो ऐसे गुनाह के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।